तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इससे आप ज़्यादा और ब्राउन करना चाहते हैं तो 2 मिनट और रोक दीजिए, ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। और इसमें हम ऐसे स्टफिंग लगा लेते हैं तो एकदम हमारा डोसा एकदम रेस्टोरेंट जैसा बन के तैयार होगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको डोसा बनाने के लिए, तो डोसा बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगी और आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चावल ली हूँ, यहाँ पे आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। और इसमें डाली हूँ मूंग दाल और 1 चम्मच मेथी है। तो चावल मैं कितना ली हूँ, इस गिलास से मैं 2 गिलास चावल ली हूँ और आधा गिलास मूंग दाल ली हूँ और 1 चम्मच इसमें मेथी डाली हूँ। ये सारा सामान हम डाल के इसको अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद गुनगुने पानी में इसको भिगो दी हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अर्जेंट था, तो गुनगुने पानी में अगर आप भिगोएंगी तो ये जल्दी फूल जाएगा। इसको गुनगुने पानी में देखिए मैं भिगो ली थी, अब ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम फाइन पेस्ट बनाएंगे और इसमें जो है इतना चावल डालेंगे, ये पका हुआ चावल है और ये बासी चावल भी डाल सकती हैं, कैसा भी चावल इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब चलिए हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो इसको देखिए हम ज़्यादा पानी डाल के नहीं इसका पेस्ट बनाएंगे, ऐसे देखिए मैं छन्नी से उठा के डाल रही हूँ। इसमें चावल भी डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार डालिए, मतलब इसमें मिक्स करके आप चावल डाल के पीस लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से एकदम पीस ली हूँ, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना गीला रहना चाहिए जो कि गिराने पे ऐसे गिरे। तो इसको हम, अगर आपको सुबह बनाना है तो इसको शाम को पीस के रख दीजिए, और इसको फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है, इसको ढक के रखना है। तो अब हम इसको सुबह बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोसे से खाने के लिए चटनी बनाएंगे। तो ये है चने का दाल, इसको हम इसमें भून लेंगे। तो आप चाहे तो इसको रिफाइन में भी भून सकती हैं और घी में। तो हम 1 चम्मच घी ली हूँ और इसमें मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चने का दाल भुना गया है, अब इसी में हम मूँगफली का दाना भी डाल देते हैं, इसको भी इसी के साथ भून लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूँगफली का दाना एकदम अच्छे से चटक गया है, तो इसमें हम मिर्चा डालेंगे। तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसी के हिसाब से मिर्चा भी इसमें भून लीजिए। तो ये अच्छे से एकदम भुना गया है, इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं ठंडा करने के लिए। उसके बाद से हम चटनी पीस लेंगे और इसी में हम आलू का चोखा लगा लेते हैं। डोसे के साथ चोखा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू को मैं उबाल ली हूँ, उबाल के इसको छील ली हूँ और इधर चोखे में डालने के लिए मैं सारा सामान काट के रख ली हूँ। एक है टमाटर है, 2 प्याज है, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा है, ये सारा चीज़ इसमें हम चोखे में डालेंगे। और मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे बनाना है। तो इसको हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद से ये डालेंगे प्याज, उसके बाद से हम चोखा लगा लेंगे। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं चोखा लगा के तब आपको दिखाती हूँ। बनाने के लिए सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, जीरा को अच्छे से चटक जाने देंगे और इसमें डालेंगे हींग। उसके बाद से जो सारा सामान हम कट करके रखे हैं उसको इसमें डाल के, आलू डाल के अच्छे से चोखा लगा लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम कुछ मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, या 1/2 चम्मच है मिक्स मसाला, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप जितना नमक पसंद करती हैं उसी के हिसाब से इसमें नमक डालना है, और ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मसाला और डालना चाहती हैं तो जीरा पाउडर, काली मिर्च और धनिया पाउडर वो भी डाल सकती हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ये पलटे से ऐसे दबा दे रही हूँ, जो कि बड़ा बड़ा टुकड़ा है वो अच्छे से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको 2 मिनट और पकाएंगे जो कि कढ़ाई छोड़ दे, समझिए हमारा चोखा तैयार हो गया है। तो ये हमारा चोखा बन के रेडी हो गया है, देखिए एकदम अच्छे से कढ़ाई छोड़ दिया है। अब इसमें हम धनिया का पत्ती डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो धनिया का पत्ती अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और ये जो भून के मैं रखी थी चटनी बनाने के लिए, तो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया। तो इसको अब चल रहे हैं पीस लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, उसके बाद से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चटनी पीस ली हूँ, अभी इसमें तड़का नहीं लगाई हूँ, तो अभी तड़का लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसको साइड में रख देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, एकदम ना के बराबर नमक डालेंगे। तो देखिए हम इसमें इतना नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देते हैं, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो भी डाल सकती हैं।
इतना मीठा सोडा डाल देते हैं और इसमें एक ढक्कन पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट ढक के रख देते हैं, तब तक हम चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं घी गरम कर रही हूँ चटनी में तड़का लगाने के लिए। तो इसमें हम काला सरसों डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से चटक जाने देते हैं, तभी हमारा चटनी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरसों एकदम अच्छे से इसमें चटक गया है, काला सरसों डाली हूँ और इसको हम इसी में ऐसे डाल देते हैं, तब ये हमारा चटनी बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चटनी बन के एकदम रेडी हो गया है। अब चलिए डोसा बनाने के लिए तैयारी करते हैं। अब इसमें हम सरसों के तेल से एकदम अच्छे से पोत लेंगे। अब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम डोसा बनाते हैं। जब तक ये धुआँ ना फेंके, तो धुआँ फेंक दे उसके बाद से गैस को एकदम कम कर देंगे तब हम बनाएंगे। अभी हाई फ्लेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआँ एकदम अच्छे से फेंकने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एकदम फ्लेम को लो रखी हूँ और इसमें हम करछुल से डालेंगे और इसको हल्के हाथ से इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो ये हमारा 2 मिनट हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं ये हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है और देखिए ये बहुत आसानी से ऐसे छोड़ देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप हमारे तरीक़ा से बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बहुत अच्छा हुआ है। अब इस पर हम जो स्टफिंग बना के रखे थे उसको हम इस पर ऐसे लगा देंगे। अब इसको इस तरह से हम मोड़ लेते हैं। तो ये हमारा डोसा बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। एक और आपको बता देती हूँ, अब इसको हल्के हाथ से ऐसे बढ़ा देना है। इसमें बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ना ही झंझट है। ये बहुत जल्दी जल्दी बनता है और अगर आप एक बार इस तावे पे तेल लगाएंगे तो कम से कम 3 ठी 4 ठी आराम से बना लेंगे। इसमें तेल का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसको ढक देते हैं। तो दूसरा वाला भी हमारा तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका कलर चेंज हो गया है। इसको ऐसे देख लेते हैं छोड़ दिया है कि नहीं। तो ये एकदम अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसमें भी हम स्टफिंग लगा लेते हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इधर से देखिए कितना अच्छा कलर बहुत तेज जल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इससे आप ज़्यादा और ब्राउन करना चाहते हैं तो 2 मिनट और रोक दीजिए, ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। और इसमें हम ऐसे स्टफिंग लगा लेते हैं। तो एकदम हमारा डोसा एकदम रेस्टोरेंट जैसा बन के तैयार होगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइए और कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डोसा कितना मस्त लग रहा है। इसको हम प्लेट में रख लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोसे के साथ ये चटनी बनाई हो, बहुत अच्छा ये चटनी लगता है। इस तरह से आप चटनी बना के डोसा बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा और एकदम रेस्टोरेंट आपका फेल हो जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।